महानगर में जगह जगह पंडालों में मां लक्ष्मी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जहां भारी संख्या में पहुंचकर श्रद्धालु मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। धर्मशाला, बाजार और नाथनगर की प्रतिमा और पंडाल लोगों को अनायास आकर्षित कर रही हैं और लोग श्रद्धा भाव से मां की आराधना कर रहे हैं। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नाथनगर प्रतिमा की शिखा सिंह और धर्मशाला बाजार प्रतिमा स्थापित करने वाले राहुल गुप्ता ने कहा। बोले लक्ष्मी मैया की जय, बोले गणेश भगवान की जय, बोले सरस्वती मैया की जय, बोले अम्बे गौरी की जय, हर हर महादेव। शिखा सिंह, प्रतिमा स्थापित की है कितने सालों से यहाँ पे? प्रतिमा स्थापित 12 साल हो गए, नाथनगर निवासी है। कितने दिनों तक स्थापित रहती है प्रतिमा? 5 दिन तक। आज यहाँ पे नाथनगर निवास में भंडारा बैठाया गया है, दर्शन थाली है, भंडारा सबका चल रहा है, सबका आना जाना लगा हुआ है। कब विसर्जन होगा इसका? बुधवार की सुबह। किसके सहयोग से स्थापित होती है प्रतिमा? सबके सहयोग से, नाथनगर सबके सहयोग से। राहुल गुप्ता। 13 साल से। किसके सहयोग से होता है ये? पूरे धर्मशाला वासियों की सहयोग से होता है। इस मूर्ति में कुछ हरियाली दिख रही है। हाँ, ये पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किया गया। और क्या है कुछ खास? मूर्ति में कुछ चेंजिंग हुई है, हम लोग अच्छे से रखने के लिए, मतलब मूर्ति को थोड़ा पहले से चेंजिंग किया गया है। जी, सब कोई हम धर्मशाला वासियों के सहयोग से हुआ है।